नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा केतु ग्रह के बारे में। राहु और केतु छाया ग्रह माने जाते हैं और राहु जो है वो विचार है और केतु है उस विचार को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो केतु करता है। तो जब भी केतु आपका ख़राब हो रहा हो, जैसे मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोज़ में बात करी है, केतु ग्रह कमर के नीचे के रोग देता है। केतु जो है वो आपकी सफलता में कहीं ना कहीं अगर अड़चने पैदा कर रहा है, क्योंकि राहु तो विचार है। जब तक विचार ही करते रहेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अगर केतु ग्रह कहीं आपका ख़राब हो रहा है, तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए चार महा उपाय लेकर आया हूँ। ये चार महा उपाय आपका केतु ग्रह कैसा भी है, आपकी कुंडली में कैसा भी असर दे रहा है आपको, इन उपायों को करने के बाद केतु ग्रह के फल जरूर इम्प्रूव होंगे। ध्यान रखिएगा, केतु सफलता का झंडा है। अगर मान लीजिए आप कहते हो कि मैं अपनी लाइफ में स्टकअप हो गया हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो कहीं ना कहीं केतु की, क्योंकि केतु जो है वो आपके पांव हैं। आपके पांव तभी अपने मिशन की तरफ चलेंगे जब वो अच्छा ग्रह आपकी कुंडली में बैठकर अच्छी पोजीशन हो या दशा अच्छी हो। और अगर अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचेंगे कि मैं विचार तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं कर नहीं पा रहा। तो आज केतु ग्रह को इम्प्रूव करने के चार महा उपाय आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहला जो उपाय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड उपाय है। इसके लिए क्या करिए, आप नियमित रूप से एक क्रम बना लीजिए, जिसके अंदर आप जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो गली के जितने भी आवारा कुत्ते घूमते हैं, आप कोशिश करें उनको जो भी खाने के लिए दे सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार वो देना शुरू करें। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने क्या क्या अलग अलग चीज़ें आप खिला सकते हैं, मैंने उस पर बहुत डिटेल में बात करी है। तो जो पहला उपाय है, जो कुत्ता है वो केतु ग्रह से संबंधित माना जाता है। तो जब केतु को आप पालना जब उसकी शुरू करते हैं, आप उसको कुछ खिलाना शुरू करते हैं, तो केतु के रिजल्ट अपने आप ही आपके अच्छे होने लगते हैं। तो सबसे पहला जो महा उपाय है वो तो यही है कि आप आवारा जितने भी कुत्ते हैं आपके घर के आसपास या कहीं पर भी, जहां पर भी आपको मौका मिले, आप उनकी सेवा करनी शुरू करें। पहला काम तो ये कर सकते हैं। अच्छा, ये सेवा भी दो तरह से हो सकती है, या तो आप कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, या कई बार आपने देखा होगा कि ये जो कुत्ते हैं ये कहीं ना कहीं बीमार हो जाते हैं या इनको चोट लग जाती है, तो आप उनको किसी तरह से अस्पताल ले गए, उनका इलाज करवा दिया, तो उससे भी आपका केतु ग्रह अच्छा हो जाएगा। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड कोई भी करेगा, इसका लाभ होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहला उपाय तो ये है। ये जो चारों महा उपाय आपसे बात कर रहा हूँ, चारों उपाय आपको लाभ देंगे। केतु जब भी खराब हो रहा हो, आप अपना देख लीजिए, कमर के नीचे के रोग हैं, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा जो उपाय बात कर रहा हूँ, अब केतु के आराध्य देव हैं गणपति जी। मैंने पहले भी कहा केतु क्या है, इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रहा ना आपको, क्योंकि अड़चनें इतनी आ जाती हैं। आप कहते हो सर रुकावटें विघ्न इतने आ जाते हैं, मैं काम करना शुरू करता हूँ, नया बिजनेस मैंने शुरू किया, अब उसमें विघ्न आ गए, आगे काम बढ़ नहीं रहा। तो इसका मतलब आपको हर जगह पर रुकावटें अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। और जब विघ्न बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो विघ्नहर्ता से बढ़िया कौन है, केतु तो के आराध्य देव गणेश जी माने जाते हैं। तो आप गणेश जी की सेवा करें। अब वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सिंपल उपाय, बुधवार वाले दिन आप एक क्रम बना लीजिए, आप बूंदी के लड्डू या मोदक आपको मिल जाएं, आप गणपति जी के मंदिर में जाएं, वहाँ पर मंदिर में चढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा प्रसाद की तरह ले लीजिए, वो आप आगे वितरित कर दीजिए, मंदिर के बाहर लोग बैठे होते हैं। तो ये क्रम जो है आप नियमित तौर पर करते चले जाएंगे, तो आप देखेंगे जो विघ्न आ रहे थे, जो बार बार बाधाएँ आ रही थी, केतु जो है वो अगर बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, तो इस उपाय से वो बाधाओं का अंत होना शुरू हो जाता है। ये दो उपाय मैंने आपसे बात करी। तीसरा उपाय, जैसा मैंने कहा केतु जो है वो आपकी कमर से संबंधित रोग, कमर के नीचे के रोग, रीढ़ की हड्डी के रोग, अब इसी तरह से जो मेल चाइल्ड है वो भी केतु से संबंधित है। अब आप कहते हो सर मुझे मेल चाइल्ड से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आ रही है, या तो मेल चाइल्ड हो नहीं रहा,
या मेल चाइल्ड ऐसा है कि हुआ ना हुआ बराबर है, मैं उससे बहुत परेशान हूँ, उसका एटीट्यूड ख़राब है। बेस्ट तो ये रहता है कि आप एक बार परामर्श लेकर उपाय कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि और ग्रह भी हो सकता है कुछ ख़राब हो। लेकिन केतु ग्रह के लिए एक उपाय आज आपको बता रहा हूँ। अगर बच्चा आपका बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, उससे संबंधित आपको समस्याएं आ रही हैं, या आपको केतु से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, या प्रोजिनी होने में दिक्कत आ रही है, तो एक काला सफ़ेद कंबल रविवार वाले दिन सबसे बेस्ट तो रहेगा। अगर सूर्य उदय से 2 घंटे पहले, 1.5 घंटा पहले, 1 घंटा पहले, जो केतु का समय माना जाता है, आप उस समय पर जाकर अगर दे देंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके लिए ये संभव नहीं है, तो आप सुबह भी मंदिर में जाएं, संडे वाले दिन पुजारी को एक बार कंबल जो है अपने माथे से लगाकर पुजारी को आप दान दे दीजिए, और साथ में कोई भी दक्षिणा पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए, तो आप देखेंगे जो मंदिर में आपने कंबल दिया, काला सफ़ेद कंबल देने का पर्पज़ क्या है, 2 रंग का होना चाहिए दोस्तों कंबल, ये ध्यान रखिएगा। जो काला सफ़ेद दोनों का मिक्स कलर है वो केतु का माना जाता है। तो केतु का कंबल जब मंदिर में दिया, मंदिर जो है वो धर्म स्थान जो है उसको बृहस्पति से संबंधित माना जाता है, तो बृहस्पति की शरण में जब केतु जाएगा तो केतु के रिजल्ट्स अपने आप ही अच्छे होने लग जाएंगे। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, जो केसर का तिलक मैंने बताया है कि नाभि जुबान माथे पे लगाइए आप कान के बैक साइड पर, ये जो कान होते हैं वो केतु से संबंधित हैं। अगर कानों से संबंधित भी आपको समस्या आती है तो वो भी ये दर्शाता है कि केतु कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। मेल चाइल्ड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो भी केतु खराब हो रहा है। तो ये तीसरा महा उपाय जैसे ही आप करेंगे तो केतु के रिजल्ट्स इम्प्रूव होने लगेंगे। ये 3 महा उपाय मैंने आपके साथ बात करी, अब ये चौथा महा उपाय समझने से पहले एक बैकग्राउंड समझ लीजिए। कभी भी आपकी कुंडली में चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन है, चंद्र क्या है मन, और केतु जो है इम्प्लीमेंटेशन करने वाला है, केतु जो है वो गुप्त प्रवृत्ति का ग्रह है, चंद्र जो है खुलकर अपनी बात कहना चाहता है, तो आपने देखा होगा अगर मान लीजिए आपके मन में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप ज़रूर किसी ना किसी अपने क्लोज व्यक्ति के पास शेयर करना चाहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप हर किसी के सामने अपना दुखड़ा रोने की आदत बना लेंगे तो केतु को कहीं ना कहीं ख़राब कर लेते हैं। तो चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन हो और चंद्र कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा हो केतु की वजह से, तो एक उपाय किया जा सकता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, आप खोए ले लीजिए, खोए के पेड़े मिलते हैं, खोए के पेड़े आप ले लीजिए, उस पर काले तिल लगा लीजिए। जो तिल होते हैं वो केतु से संबंधित है, काले तिल मिल जाएँ, सफ़ेद तिल मिल जाएँ, दोनों लगाना चाहें दोनों लगा लीजिए। खोए का पेड़ा ले लिया आपने, खोए के पेड़े के ऊपर आपने काले सफ़ेद तिल लगाए और रविवार वाले दिन इसको जल प्रवाह कर दिया। अब इसका क्या लॉजिक है, जो खोए के पेड़े होते हैं वो चंद्रमा से संबंधित हैं, ये काले सफ़ेद तिल जो हमने लिए ये केतु से संबंधित है, तिल वैसे भी केतु के होते हैं, तो जब हमने इसको जल प्रवाह किया, काले तिल जो होते हैं दोस्तों ये ध्यान रखिएगा वो शनि से संबंधित माने जाते हैं, सफ़ेद तिल जो होते हैं वो चंद्रमा से संबंधित माने जाते हैं, जब वो दोनों मिलते हैं, जो 2 रंगी दुनिया है उसका मालिक केतु माना जाता है, तो केतु जब हमने ये जो पेड़ा है इस पे काले सफ़ेद तिल लगाकर जल प्रवाह किए, तो जब जल में आप डालेंगे तो जब पेड़ा नीचे गया तो जो तिल आपने ऊपर लगाए थे वो ऊपर आ जाते हैं, तिल जो ऊपर आ गए वो पेड़े से अलग हो गए, तो चंद्र और केतु जो युति बनाकर नुकसान कर रहे थे आपका, वो नुकसान करना बंद हो गया। तो इससे भी आप देखेंगे आपके चंद्र के फल इम्प्रूव हो गए, क्योंकि जो खोए का पेड़ा है वो चंद्रमा से संबंधित है, जल जो है वो भी चंद्रमा से संबंधित है, जब आपने उसको डाला केतु की कैद से चंद्रमा मुक्त हो गया और चंद्रमा अब ऑप्टिमम फल देगा आपको, और केतु के फल भी अच्छे हो गए, जहाँ पर चंद्रमा के साथ झगड़े में कहीं ना कहीं केतु का नुकसान हो रहा था वो भी अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। तो ये 4 महा उपाय मैंने आपसे बात करी, आप ये करेंगे तो केतु ग्रह आपको तरक्की दिलाएगा, तरक्की के रास्ते खुलेंगे।
आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।